अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी। शुरू मैं जी उठ चुका हूँ, सुबह खैर। तो आज की पार्टी के लिए जो है सामान वगैरह लेके आना था, कल थोड़ा सा ले आया था, अभी रहता है थोड़ा सा, वो भी ले के आना है, चिकन वगैरह ले के आना है। चिकन के लिए मैंने फ़ोन कर दिया, तो अभी जाएंगे चिकन पकड़ेंगे और बाकी थोड़ा सा और सामान ले के आया था वो भी ले के आएंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि क्या सब तरफ होना है इस पार्टी के अंदर। तो अभी मैं उठ जाऊँ, मुँह हाथ धो जाके, तो फिर निकलते हैं सामान लेने के लिए। चिकन मैजी ले आया हूँ, चिकन मैजी ले आया हूँ, बाकी सामान लेने जा रहा हूँ मैं। चिकन वैसे ले लिया, यहाँ गया था स्ट्रीट के ऊपर, 100 रुपये नहीं मिला, तो अब मैं शहीनाबाद जा रहा हूँ, वहाँ से लेते हैं, अगर मिल जाए तो वहाँ से लेते हैं सामान। सामान तकरीबन तकरीबन हो गया पूरा, बस अंडे और मैदा रह गया, चीज़ें मिली नहीं थी रही हैं। ये देखें, ये इतना कुछ मैंने ले लिया, और बांधे भी थे मिल रहे लंबे, वो भी जाके मिले हैं आलम बैकरी से। बड़ी जगह से पता क्या नहीं मिले, आलम बैकरी से मिले हैं, और बाकी हो गया सामान पूरा। हाँ जी भाई साहब जी, आ गया सारा सामान, ये देखें जी। और अभी चलते हैं माल्टे लेने, माल्टे लेके आए हैं, धूप में बैठ के माल्टे खाएंगे, और आपको मैं बताऊंगा साथ साथ के ये किस किस्म की पार्टी है। हो गया था क्लियर। अभी जी थोड़ा सा लेके आना घर का सामान, शैम्पू और साबुन और सिरका रह गया था, वो लेने जा रहा हूँ। फिर वो लेके नहा के कपड़े बदल के फिर जाना है धूप में बैठ रहे, और फिर आपको बताऊँगा कि ओहो पेट्रोल तो है ही नहीं सच। किसी दुकान वगैरह से पता कर लेते हैं, पहले मैंने जाना था शहीनाबाद, तो रहने देते हैं शहीनाबाद, क्या करने जाना है, पेट्रोल है नहीं भी, पेट्रोल भी दिलवाते हैं, तो यहाँ से पता कर लेते हैं शैम्पू का दुकान से। सब जी सामान यहाँ से ही सारा कुछ, अच्छी बात है मिल गया, नहीं तो फिर शहीनाबाद जाना पड़ना था। तो अभी चलते हैं घर जा के नहाते हैं। बैठ चुका हूँ धूप में, और माल्टे अपने आ गए हैं, दो को मैंने खा भी दिए हैं। तो जौन सी आज की पार्टी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है जी हाइटी, जिस तरह आप कह सकते हैं जी, वो नहीं होता बुफे, उस तरह ही है। तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 फैमिलियां जो उनसे ना पार्टिसिपेट करेंगी, मतलब कि 5 फैमिलियों के हर मेंबर ने ना कोई डिश बनानी है, सारों ने कोई ना कोई डिश बनानी ज़रूर है। तो सारों ने कोई ना कोई डिश बनानी है, तो वो जो उनसे लगाया जाएगा जिस तरह बुफे लगता है, इसी तरह सारों का खाना रखा जाएगा, सारे टेस्ट करेंगे एक दूसरे का, मतलब कि खाएंगे, तो फिर बताएंगे भाई किसका ज़्यादा मज़े का बना था, क्या चीज़ क्या नहीं। हर मेंबर ने कोई ना कोई डिश बनानी है, कोई एक बना रहा है, कोई दो बना रहा है। तो इसको जो उनसे ना अरेंज किया है मेरे खालू ने, जो खर्चा वगैरह वो मतलब के अपना अपना ही है। तो खालू ने वैसे 1000-1000 रुपया दिया है, जो बाकी 1000 से ऊपर जिनका लगे, हर फैमिली को वैसे उन्होंने 1000 दे दिया, वैसे ही दिया, वो तो खर्चा अपना अपना ही है, यही समझे हम। तो ये सारा मामला होगा इस पार्टी में। तो आज रात हो गई, तो आगे जो जो हो ही जाएगा, जो पार्टी में होगा मैं आपको दिखाता जाऊंगा सारा कुछ, और रात को खाने भी आपको सारे दिखाऊंगा और बताऊंगा क्या क्या बना था, किसने बनाया था, और क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मज़े की थी। अभी मैं माल्टे खाने लगा हूँ, और फिर जोहर का टाइम हो जाएगा, जोहर की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद फिर मिलते हैं। हाँ जी जी, जोहर की नमाज़ वगैरह मैंने अदा कर ली है, और नाश्ता मैंने किया नहीं था, नाश्ते में माल्टे खाए थे, इसलिए अभी मैं ले आया हूँ जी फ्राई नान, और फ्राई नान खाएंगे साथ चटनी और साथ बोतल।
और बोतल पियेंगे, उसके बाद चलते हैं नीचे। नीचे जो सा है वो पार्टी की तैयारी हो रही है, देखते हैं अभी क्या बन रहा है जाके, और आपको भी मैं दिखाता हूँ। तो पहले मैं इसको ख़त्म कर लूँ। ओके जी, तो मैं नीचे आ चुका हूँ, नान वगैरह मैंने खा लिया है, और नीचे जो सा पार्टी की तैयारी हो रही है। आज जो सा ना हमारे घर से जो है, एक तो बनना है केक, और दूसरा बनना है ग्रिल सैंडविच, और तीसरे बननी है जी दाल माश। दाल माश होगी जी सारों के लिए, मतलब कि अगर किसी बड़े ने खाना खा वगैरह खाना है तो वो दाल माश सारों के लिए। बाकी जो सी चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी सारों को मिलेंगी, क्योंकि आपको पता ही है सारों ने चेक करनी है बस। तो ये जो सा ये ग्रिल सैंडविच की तैयारी हो रही है यहाँ पे, और केक जो सा है अभी उसकी तैयारी नहीं शुरू हुई, कॉफ़ी केक शायद बनाना है कोई, तो आपको मैं साथ साथ दिखाता जाऊँगा। इधर भाई साहब जी तैयारियां चल रही हैं ग्रिल सैंडविच की, और इसके अंदर चिकन है, ये प्लेट आना ज़रा। ये चिकन है जी बॉयल, जो कि ग्रिल सैंडविच में डालना है। ये ब्रेड उसकी, और बाकी जो सा केक बनना है वो वहाँ जाके बनना है, उसका सामान ये पड़ा है, मक्खन, क्रीम, मैदा और वगैरह वगैरह चीज़ें। यहाँ पर जी ग्रिल सैंडविच के लिए अंडे बनाए जा रहे हैं, और चिकन बन गया है, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये रहा जी चिकन, यहाँ पे जी ग्रिल सैंडविच तकरीबन तैयार होने वाले हैं। ये देखें कितना खरारा डाला हुआ है ग्रिल सैंडविच का। ये देखें एक तैयार हो गया है, और ये दूसरा, और ये तीसरा। जो सा केक है ना वो यहाँ पे बनाना है मामू के घर में, तो मतलब कि जो सारा कुछ खाना वगैरह यहाँ पे लगना है मामू के घर में। और अंडे जी भूल गए थे हम लोग। हाँ जी भाई साहब जी, यहाँ पे केक की तैयारी हो रही है, और ये है जी मक्खन, मक्खन अनसाल्टेड, अंडे, और यहाँ पर मैदा तैयार होने लगा है, वो हो गया है मैदा तैयार। हाँ जी, नहीं अभी नहीं बनाया, अभी बन रहा है। खाना है आपने? जब बनेगा फिर खाना ना। ये जी केक की जो सजावट ऊपर करनी है ना, उसका सामान तैयार हो रहा है, केक तकरीबन तैयार हो गया है। और यहाँ पे एक रशियन सैलिड भी बननी है, उसके लिए सेब काट रहे हैं, बाकी चीज़ें उन्होंने काट कूट ली हैं। ये देखें तकरीबन तैयार हो गई है, बस सेब डलने वाले हैं, और ये बताने क्या चीज़। और बर्गर भी बनने हैं, यहाँ पे एक बंदे ने बर्गर बनाने हैं, पर अभी उसका कुछ तैयार नहीं हुआ। इतना कुछ ही भाई साहब जी, अभी वहाँ पर लेके जाना है जो सामान वगैरह था ना, बर्तन हम डिस्पोजिबल ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बाद में धोने ना पड़े इसलिए, तो अभी निकलते हैं वहाँ के लिए। और ये जी देसी घी निकाला गया है, ये वैसे निकाला है, किसी चीज़ में नहीं डालना। चलते हैं जी दूसरे किचन में, और यहाँ पर बन रहा है ये पता नहीं क्या चीज़ है, यहाँ पे ये बन रहे हैं रिंग ओनियन, प्याज गोल गोल काट के ना उसको फ्राई किया हुआ है, और यहाँ पे तैयार हो रहा है ये सूप। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी, देखें बर्गरों का रश है, रश। चला जी मेरी डिश हो चुकी है जी तैयार, गोलगप्पे, सूप, और टेंडर पॉप्स, चिप्स, बर्गर, और ये है जी सैंडविच, ग्रिल सैंडविच। बाकी मीठे में जो सा है वो अलहदा सारा कुछ, अभी बस इतना खा लें पहले, ये भी नहीं मेरे से खाया जाना। मीठे में जी भाई साहब जी रशियन सैलिड, और ये रहा जी केक, और ये मैक एंड चीज़ है, ये मीठे में नहीं है, ये वैसे ही है, मैंने पहले नहीं थी दिखाई आपको, तो वो मैं मेरी तरफ से जो
फाइव स्टार जिस चीज़ को मिलते हैं ना वो है जी ये रशियन सैलेड। हाँ जी जी आखिर पे जी ग्रीन टी चाय, खाना शाना खा लिया है और अब चाय पीने लगे हैं। आज का व्लॉग जो है जी यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।